बेस्ट किया ही नहीं। मैं हमेशा चैंपियन भी रही हूँ, जूनियर चैंपियन भी रही हूँ, लेकिन कुछ बिफोर साउथ एशियन जब मैं यहाँ पर ट्रायल दे रही थी तो मेरे कोच ने मुझे एक्चुअली हम लोग लास्ट टेस्ट कर रहे होते हैं कि कितने स्प्रिंट्स हैं, क्या है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का सेम वेदर होता है, तो हम वहाँ पर भी गर्मी थी, तो हमने कहा कि सर एक टाइम ट्रायल कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम बिफोर साउथ एशियन मैंने जब पाकिस्तान में रेस लगाई 11.6 मैंने पाकिस्तान में टाइम किया था, तो उससे मेरे कोच ने कहा कि ठीक है हम ब्रॉन्ज मेडल ले लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है ब्रॉन्ज मेडल लेते हैं, लेकिन हमारा टारगेट रिले रेसेस पे ज़्यादा था कि हम उसको फोकस कर रहे हैं क्योंकि चार लड़कियों ने इक्वली परफॉर्म करना होता है। तो जब मैं साउथ एशियन खेलने गई और एक ही दिन हीट्स और क्वालिफाई करना और फिर फाइनल 2 घंटे बाद मेरा था, तो मैं इस चीज़ को बड़ा वो कर रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम इंजरीज भी थी और परफॉर्म कैसे करेंगे, क्योंकि जब आप ट्रैक पे जाते हो तो कोशिश ये होती है कि आप बेस्ट परफॉर्मेंस दें, कुछ ना करें। मेरी लाइफ में हमेशा ये रहा है कि आप किसी से कंपटीशन ना करें, आपका कंपटीशन आपके साथ होता है, आपने अपने टाइमिंग बेस्ट करने होते हैं, अपने जो टारगेट्स होते हैं उसको अचीव करना होता है। तो जब मैं साउथ एशियन के लिए हीट क्वालिफाई करने के लिए हम जा रहे थे तो श्रीलंकन लड़कियाँ और जितनी भी अदर्स कंट्रीज़ की वहाँ पर प्लेयर्स थी, तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट लग रहा था कि उस टाइम एक होता है ना कि फील गुड, आपको लग रहा होता है कि आज आप परफॉर्म करेंगे, आप अच्छे मूड में हैं, इन्वायरमेंट भी अच्छा है, और लेकिन एक प्रेशर भी होता है कि पूरे पाकिस्तान की नज़रें आप पर होती हैं कि आप वापस कैसे जाओगे, तो एक वो डर बहुत होता है। जब आपने ग्रीन कोट पहना होता है तो उसकी इलाज रखना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि साउथ एशियन रेस ऐसी है कि बस मैंने 100 मीटर जब स्टार्ट किया तो हीट क्वालिफाई कर ली, मेरा टाइम बेस्ट हुआ वहाँ पर, तो मैंने हीट भी क्वालिफाई किया। फाइनल के लिए मैं थोड़ा डर गई थी, क्योंकि जब फाइनल रेस लगाने जा रही थी तो मुझे हैमस्ट्रिंग इंजरीज इतनी शदीद थी कि मैं शायद फाइनल नहीं खेल पाती। तो मेरे कुलीग मेरे पास आए, मैंने कहा कि आज क्या देख रहे हो, मतलब क्या है और क्या करोगे, मैंने कहा आज ये जो फिनिशिंग लाइन है ना ये मैंने ही फिनिश करनी है इंशाल्लाह पहले। तो जब 100 मीटर रेस स्टार्ट हुई तो पता नहीं अल्लाह पाक का वो कहते हैं ना कि बड़ा करम था उस दिन, जो मैंने 100 मीटर रेस की और पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी हो गया उसी में, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने वो रेस किस तरीके से की है। जिस तरह से आपने स्टार्ट लिया और मैंने फिनिश किया उस लाइन को, और उसके बाद मुझे नहीं पता कि रेस मैंने फिनिश की है, लाइन मैंने सबसे पहले फिनिश की है, लेकिन जो क्राउड था पूरे पाकिस्तान का, हमारा जो स्क्वाड पूरा बैठा था, जो ग्राउंड में लोग थे, वो जब खुशी से जो तालियां बजा रहे थे और जब नेशनल एंथम बजा, तो उसके बाद मुझे जब मैंने मेडल पहन लिया तो मुझे यकीन आ गया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेडल विन कर लिया है, क्योंकि वो इतना मुश्किल मेरा सफ़र रहा है जिस तरह से लाहौर कैलेंडर का, क्योंकि मैं जब लाहौर कैलेंडर और PSL ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी उस टाइम मैं अपना प्रोग्राम होस्ट कर रही थी न्यूज़ चैनल पे, तो हम लोग बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देख रहे थे ताकि सब टीम्स की, तो मैं रात भी यही बात कर रही थी आखिर भाई से कि इन लोगों के जितनी भी परफॉर्मेंस आप लोगों ने डिलीवर किया है, मतलब जितना काम आप लोग कर चुके हैं लाहौर कैलेंडर स्पोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि स्पोर्ट्स वाकई हमें 1 या 2 दिन नहीं खेलना चाहिए, मेरा तो ये है कि बेशक संडे रेस्ट करें लेकिन पूरे दिन आप जितने भी आपके वीक डेज हैं उसमें भी आप वीकेंड वीकडेज पे आपको स्पोर्ट्स करना चाहिए। और जब मैं स्कूल या कॉलेजेस में जाती हूँ एक ही बात कहती हूँ कि मेंटली बंदा इतना स्ट्रेस में आ जाता है, पढ़ाई करते हो हर टाइम, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में देख लें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चों पे, ट्यूशन्स उनकी बहुत ज़्यादा होती है, यूनिवर्सिटीज़ में अगर देखें तो रातों रात में भी मेरे ख्याल से आप लोगों की क्लासेस होती हैं, अगर आपके एग्जाम्स या कुछ टेस्ट वीक चल रहा होता है, तो हम क्यों रिलैक्स हम कब करेंगे। जब हम ग्राउंड जाते हैं तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है, इवन कि जब हम थक जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि आप रेस्ट करें, नहीं वही टाइम होता है कि आप ग्राउंड में जाएं, कुछ अच्छा खेलें, कुछ जॉगिंग करें, कुछ मतलब क्रिकेट तो मतलब एक फीवर है, मतलब अगर वो अगर आप देखें पूरा पाकिस्तान इसके जर्द में है, और PSL जब होता है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में एक समा होता है कि स्पोर्ट्स जिंदा है, चलिए किसी ना किसी बहाने, लेकिन इससे बेहतर ये भी चीज़ होती है कि एक तो माशरे में सुधार आता है बहुत ज़्यादा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, उसके साथ साथ मैं जावेद मेमन साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करूँगी क्योंकि वो बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, खास तौर पर एथलेटिक्स, क्योंकि जब मैं आई थी मुझे लगा था कि पाकिस्तान में एथलेटिक्स का एक नाम दोबारा से ज़िंदा हुआ है, तो सर इसको भी प्लीज़ आप देखिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि एथलीट फिज़िकल फिटनेस ही अगर हम उसको फोकस नहीं करेंगे तो अदर्स इवेंट्स भी जो हैं
वो फिर हम इग्नोर कर देंगे। पूरे पाकिस्तान में हम अगर बात करें स्पोर्ट्स की, तो हर स्पोर्ट्स हमारे लिए है। जो भी टीम जीतेगी पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। लेकिन स्पोर्ट्स इतना ज़रूरी है हम सब के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। जब हम बाहर जाते हैं, अब हम बोलते हैं ना बच्चों को किसी टाइम, क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल सेलफोन्स वगैरह में लगे होते हैं, कंप्यूटर लाइफ गुजारे, मतलब डिजिटल हो गए हैं हम लोग टोटली। हम जब भी होते हैं, हम किसी कहीं पर भी बैठे होंगे तो हम सिर्फ एक काम कर रहे होते हैं, या तो हम मोबाइल पर होते हैं, कई कॉल्स आ रही हैं, वो चीज़ें होती हैं। तो इसमें ये कि हम एक ही चीज़ करेंगे कि जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही है, ये वर्कशॉप हुई है स्पोर्ट्स एंड साइंस इंटरनेशनली, इस तरह से आप ये करें ताकि अवेयरनेस मिले, स्पोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप लोग सब यहाँ पे मौजूद हैं। IBS अखर यूनिवर्सिटी का भी थैंक यू अदा करूँगी कि उन्होंने आज मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। Now, ladies and gentlemen, there are